कोविड 19 महामारी के द्वारा जो मरीज कोविड पॉजिटिव हैं और वो स्वास्थ्य विभाग के हॉस्पिटल एवं लेबोरेटरी में जाने में असमर्थ हैं, उनको घर बैठे स्वास्थ्य जांच के लिए ब्लड सैंपल कलेक्शन करने के लिए मंगलवार को डिजिटल हॉस्पिटल का जिलाधिकारी के विजयन पांडेन द्वारा फीता काट का शुभारंभ किया गया। इसमें जो व्यक्ति घर पर होम आइसोलेटेड हैं उनके लिए टीम मेडिवर घर में ब्लड सैंपल कलेक्ट करेगी और जांच करके रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग एवं कोविड कमांड सेंटर के साथ साथ मरीज को भी दी जाएगी। अभी शुरुआत में सीआरपी जांच की जा रही है, उसके बाद जिस मरीज को किसी और जांच की ज़रूरत होगी तो उसकी सूची कोविड कमांड सेंटर के होम आइसोलेशन नोडल उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी सुनीता पटेल एवं सहयोगी ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं आरआरटीटी के नोडल डॉक्टर एस एन त्रिपाठी अर्बन एस के सिन्हा ग्रामीण के आदेश करेंगे, उनकी भी जांच की जाएगी। कोई व्यक्ति इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के नंबरों या डिजिटल नंबरों हॉस्पिटल के नंबर पर कॉल कर सकता है जिससे उसकी सहायता की जाएगी। इस संबंध में जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने बताया कि होम आइसोलेशन मरीजों का एक फॉर्मेट के अनुरूप लक्षण, स्वास्थ्य की स्थिति, दवा की उपलब्धता, कंप्लीट ब्लड काउंट, सीपी स्कोर, सीआरपी आदि की जानकारी प्राप्त करके किया जाता है और उसके अनुसार मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है और गंभीर एवं कोमॉर्बिड मरीजों को भर्ती भी कराया जाता है और मेडिवर के सहयोग से जांच रिपोर्ट मिलने पर मरीजों की और बेहतर देखभाल हो सकती है। इस दौरान कोविड 19 की नोडल सुनीता पटेल, रामेश्वर मिश्रा, विजय यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेन ने कहा पुर में एक अनेक उपयोग मैं कह सकता हूँ, एक इनोवेशन है। खासतौर पे देखिए कोरोना काल में सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं एंड खासतौर पे इस समय में जो कोरोना का जो है काफ़ी कंट्रोल में आ गया है। पर डे केसेस रिपोर्टिंग भी कम है, पिछले 10 दिन में कोई गोरखपुर में कोई मौत भी नहीं हुआ है और यही कंट्रोल रूम में अच्छा से संभाले हम लोग। उसका एक कदम आगे चलते हुए एक शुरुआत किए हैं आज। खासतौर पे देखिए कोरोना पेशेंट में हम लोग दो तीन पैरामीटर चेक करते हैं, आप लोग भी जानते हो। एक एसपीओ चेक करते हैं, यानी जो पल्स ऑक्सीमीटर के जरिए से उनका ऑक्सीजन, यदि मान लीजिए सैचुरेशन किसी का 80-90 आ जाता तो तुरंत हम लोग उनको हॉस्पिटल ले आते हैं। और दूसरा टेम्परेचर चेक करते हैं किसी थर्मामीटर से, नहीं तो दूर से लेज़र से, उसी से किसी का टेम्परेचर ज़्यादा होता तो फिर उसको हम भर्ती करते हैं। बट हम कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट और पैरामीटर को छोड़ देते हैं ताकि हम लोगों को नहीं पता है, उस समय में सुविधा नहीं था। खासतौर पर ब्लड सैंपलिंग लेना है और एक्सरे करना है। ब्लड सैंपलिंग में क्या है, ब्लड सैंपलिंग में आपकी इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन रेट है वो पता चल जाता है, आपका शरीर का अंदर कितने फैला हुआ वायरस। उसे खासतौर पर दो तीन पैरामीटर होता है, एक सीआरपी होता है और जो IL-6 डी डाइमर और ये सारे पैरामीटर्स होता है। ये पैरामीटर से पता चल जाता है वो पेशेंट हम लोग के पास जो पॉजिटिव होके आया है उनका हाल ही में इन्फेक्शन हुआ है, नहीं तो पहले से इन्फेक्टेड रहा है। उसी के लिए क्या किया हम लोग, जो गोरखपुर में डोर टू डोर हम लोग सैंपल कलेक्शन के लिए भी आज से पहल शुरू किए हैं। इसका रेट डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी से तय होकर के सस्ते रेट पर हम लोग उसको जनता के लिए सेवा के रूप से फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। और किसको भी जो सेवा चाहिए वो कंट्रोल रूम में आप बात करते हुए आप बुला सकते हैं, आपके घर आकर के सैंपल टेस्ट करके बता देंगे आपको किस समय में क्या दवा लेना होगा। मान लीजिए किसी का इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, सीआरपी पैरामीटर ज़्यादा है, फिर किसी का उस समय में उनके स्टेरॉइड देना होता है, नहीं तो किसी का रेमडेसिविर लगाना होता है और किसी का एडमिशन की ज़रूरत पड़ता है। ये सारे चीज़ ब्लड टेस्ट में ही क्लियर होता है। मैं आपको मीडिया के जरिए से मैं सभी गोरखपुर वासियों को मैं अपील करता हूँ, आप ये सुविधा को आप लोग भरपूर उपयोग करिए और किसी को भी किस समय में भी ज़रूरत है यहाँ कंट्रोल रूम में आप संपर्क में रहिए और बुला लीजिएगा, यहाँ आकर के आपको चेक करेंगे। चाहिए तो फिर बार बार भी दो तीन बार हम लोग ब्लड
टेस्ट लेना पड़ता है वो भी ले लेंगे, और इससे आपका जान बच जाता है, हम लोग को भी पता चल जाता है आपका सीरियसनेस क्या है, ताकि हो सकता है बहुत लोग ऐसी एसिम्टोमेटिक है, यानी जो लास्ट 24 घंटे 48 घंटे में किसी का सांस फूलता है, अचानक लेके घूमते हैं, फिर उनको बचाना मुश्किल हो जाता है, और यदि पहले ही हम लोग को पता चल जाता है उनका अंदर इन्फ्लेमेशन कितने हैं, इन्फेक्शन कितने हैं, उनका आराम से हम लोग अच्छा दवाई दे करके बचा सकते हैं। शासन ने मेडिवेयर एक संस्था के माध्यम से हम लोग अग्रीमेंट किए हैं और रेट भी तय किए हैं, ये मेडिवेयर संस्था जिला प्रशासन के तौर से आएंगे, आपसे ब्लड टेस्ट कलेक्ट भी करेंगे, आप मेडिवेयर से भी सीधे संपर्क कर सकते हैं और कंट्रोल रूम से भी सीधे संपर्क कर सकते हैं, उनको जो टेस्ट का जो कितने कितने ज़रूरत है उसी के हिसाब से वो लेंगे, किसी का एक दो पैरामीटर का ज़रूरत है वो उतने ही लेंगे और बाकी अतिरिक्त पैरामीटर तो उसी हिसाब से लेंगे। ये इसको मैं चाहता हूँ गोरखपुर वासियों साथ दीजिए और इसका जो सुविधा है उसको भरपूर उपयोग करिए, आपका इस समय में जो त्यौहार चल रहा है छठ पूजा का और अभी दिवाली चल रहा है, वो सभी का मेरा तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, जय हिंद जय भारत।